Hello guys, myself Santlal Singh and welcome you all to my educational YouTube channel The English Education Era. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम AG Gardiner द्वारा लिखित निबंध In Defense of Ignorance पर आधारित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे. So let's start. Question number 1. What was the young man requesting to the author in the essay In Defense of Ignorance? In Defense of Ignorance नामक निबंध में जो यंग मैन था वह लेखक से क्या निवेदन कर रहा था? So answer of this question is option number A. To tell him which books to read. वह लेखक से निवेदन कर रहा था कि लेखक उसे बताएं कि उसे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए. So option number A is correct. Question number 2. Who wrote to the author In Defense of Ignorance? In Defense of Ignorance नामक निबंध में किसने लेखक को लिखा? So answer is option number B. A young man. एक नौजवान आदमी जो young man था उसने लेखक को लिखा. Question number 3. In Defense of Ignorance, the writer was shocked to know about his. So answer of this question is option number A. Ignorance. In Defense of Ignorance नामक निबंध में लेखक अपनी अज्ञानता या अज्ञान के बारे में जानकर शॉक्ड रह गया. Question number 4. What is the first requirement of knowledge? Knowledge की सबसे पहली आवश्यकता क्या है? तो इस ऐसे के अकॉर्डिंग इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस नामक निबंध के अनुसार नॉलेज की जो सबसे पहली आवश्यकता है वह है आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ एस्टीम. सबसे पहली आवश्यकता नॉलेज की है सेल्फ एस्टीम. क्वेश्चन नंबर 5. इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस अथर कंपेयर्स हिज नॉलेज विथ. यानी इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस नामक निबंध में जो लेखक है वह अपने ज्ञान की तुलना करता है. सो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज मेडिसिन, बी गार्डनिंग एंड सी साइंस. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है. ऑल ऑफ दीज. इन सभी से वह अपने नॉलेज की तुलना करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ईच, जो इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस है वह है आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, प्रोज. इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस जो है वह प्रोज है न कि इपिक पोयम या फिक्शन. क्वेश्चन नंबर 7. इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस द ऑथर सजेस्टेड दैट. इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस नामक निबंध में जो लेखक है वह सुझाव देता है. सो आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैविंग गुड फेथ विद गुड इग्नोरेंस इज गुड. ऑप्शन नंबर सी सही है. हैविंग गुड फेथ विद गुड इग्नोरेंस विद गुड इग्नोरेंस इज गुड. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट मेक्स द ऑथर टू थिंक अबाउट हिज कॉम्पिटेंस. लेखक अपनी पूर्णता के बारे में किससे प्रेरित होकर सोचता है? सो आंसर ऑप्शन नंबर बी, यंग मैन्स लेटर. यंग मैन के द्वारा जो लिखित पत्र था उसको पाकर लेखक अपनी पूर्णता के बारे में सोचना प्रारंभ करता है. क्वेश्चन नंबर 9. नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग वाज. जो नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग था इस ऐसे इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में वह था एंड एडवोकेसी ग्रुप. एक एडवोकेसी ग्रुप था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट. कल्टीवेट अ टिनी कॉर्नर मींस. यानी इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस नामक निबंध में कल्टीवेट अ टिनी कॉर्नर जो लाइन है इसका तात्पर्य है. सो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. यानी कल्टीवेट टिनी कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे इस एसे के अकॉर्डिंग टू नो वेरी लिटल ऑप्शन नंबर ए, एंड टू रीड अ स्मॉल पोर्शन, एंड टू बी अवेयर ऑफ जस्ट अ पोर्शन. तो ए क्वेश्चन नंबर 10 में तीनों ऑप्शन सही हैं. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में
आपके लिए एलटी ग्रेड में संकलित और चैप्टर्स पर आधारित टेस्ट सीरीज को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश एजुकेशन इरा को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद ना आया हो तो इस वीडियो को अनलाइक कर दें और इसे अनदेखा कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।